मैडम, मैंने पहले भी कहा जिस तरह से रक्षा मंत्री जी अपनी बात रखी है, दूध का दूध पानी का पानी हुआ है जी, और कहां तक ये बात जाएगी। और मुझे केवल इतना कहना है, मैं जिस राज्य से आता हूं वो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है जी, जहां वीरों की वीरता को और बलिदान के लिए पूरे देश में जाना जाता है। 1962 हो, 65 हो, 71 का युद्ध हो या कारगिल की लड़ाई हो, हिमाचल के लोगों ने अपनी वीरता दिखाई है। चाहे कारगिल की लड़ाई में 4 परमवीर चक्र मिले तो 2 हिमाचल के नौजवानों को मिले, जहां एक और वीरों की बलिदान की गाथा तो दूसरी और त्यागी और त्याग की देवी की घूस की गाथा की बात आती है। कौन त्याग की देवी? प्लीज प्लीज, किसने घूस खाई, कितनी खाई, किस मामले में खाई, क्या ये केवल त्यागी तक रुक गई कि उसके आगे भी गई? और यही नहीं मैडम, इसमें जिस तरह से अफसर, सैन्य कर्मी, राजनीतिज्ञ, मीडिया के लोग केवल पैसे का लालच नहीं, पूरी व्यवस्था को किस तरह से भ्रष्ट बनाया गया, ये स्पष्ट तौर पर दिखता है कि कांग्रेस ने पूरी व्यवस्था को किस तरह से खराब किया पिछली यूपीए की सरकार ने। और केवल यही नहीं मैडम, अगर कुल मिलाकर देखा जाए कि व्यक्तिगत हितों के ऊपर राष्ट्रीय हित को बलिदान किया तो पिछली यूपीए की सरकार ने किया है। किस तरह से देश के लिए जो वीवीआईपी के हेलीकॉप्टर खरीदा जाना था उसमें भी भ्रष्टाचार इन्होंने बढ़ चढ़कर किया, और इतना ही नहीं, इनका तो होता था खाओ और खाने दो, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से कहा ना खाएंगे ना खाने देंगे। और इस बात का मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ईमानदार रक्षा मंत्री यहां पर आए हैं, और ये पहली बार नहीं है कि रक्षा घोटालों में कांग्रेस का या यूपीए का नाम आया हो मैडम, चाहे टाटा ट्रक स्कैम की बात हो 2012 की, नेवल वॉर रूम की, स्कॉर्पियन सबमरीन केस की बात हो, बोफोर्स कांड की बात हो, उससे पहले की सबमरीन डील की बात हो, और जितनी भी डिफेंस स्कैम्स की बात हो, कांग्रेस की पिछली सरकारों को देखेंगे अपने आप में स्पष्ट नजर आएगा कि इनका किस तरह से उन सब में हाथ रहा है, और किस तरह से इनके अपने, और केवल कौन लोग जो पूर्व में कांग्रेस के सांसद रहे, मंत्री रहे, उनके परिवार के लोग अनुराग उन डिफेंस डील्स के साथ जुड़े रहे या उनकी क्या भूमिका रही है, देश ने मैडम आज तक जानी है। बोलिए इस विषय। पूर्व सांसदों का बेटा हो या एक पूर्व मंत्री हो जो कोल स्कैम में भी था, उसके परिवार के लोगों को आईडीएस इन्फोटेक में किस तरह से पैसा पहुंचा, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, आज पूरे देश का मीडिया इसमें बता रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी इस पर कुछ बता पा रही है कि किस तरह से मैडम हुआ द पीपल हुआ बिहाइंड इट, व्हाई फेवरेटिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म वॉज गिवन टू अगस्ता वेस्टलैंड, किस तरह से अनुकूल परिस्थितियां बनाई गई और संरक्षण दिया गया एक कंपनी को एक टेंडर लेने के लिए। और यह स्पष्ट तौर पर दिखता है जिस तरह से रक्षा मंत्री जी ने कहा कि अगर पहले एयरोकॉप्टर का EC-225 अगर वो क्वालिफाई करता था 6000 मीटर तक उड़ने के लिए, इसलिए तय किया गया कि 4500 मीटर तक किया जाए कि ज्यादा कंपनी उसमें भाग ले सके, दाम भी कम हो और ज्यादा कंपिटेटिव बिडिंग होगी तो उससे देश को लाभ मिलेगा। लेकिन किस तरह से मैडम सारी कंपनीज को दरकिनार करके केवल कैबिन की हाइट बढ़ाने के चक्कर में 1.8 मीटर करके अपने घूस के दाम भी बढ़ाने का काम किया, तो साथ के साथ आप लोग वो भी करते चले गए। अनुराग जी आप प्लीज बोलते, मुझे लगता है जानकारी का अभी भी कहीं ना कहीं अभाव है। देखो रक्षा मंत्री जी, डिफेंस मिनिस्टर ने टोटल स्पीकर को करके ये करके बोला है, प्लीज उसी को फॉलो करो। अध्यक्ष जी, मैं परिकर से आपसे इतना पूछना चाहूंगा रक्षा मंत्री जी से कि आखिरकार ये 1.8 मीटर हाइट क्यों की गई, क्या दुनिया भर में क्या 1.8 मीटर चलता है कि 1.45 मीटर से भी काम चलता है? कौन इतने लंबे वीवीआईपी से आपके समय जिनके लिए 1.8 मीटर की हाइट करनी पड़ी कि इसके कारण घूस के दाम बढ़ाने पड़े, एक तो मेरा पहला ये प्रश्न है। और जिस तरह से मैडम स्पष्ट तौर पर कहा गया कि सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट जो है उसको ब्रॉड बेस्ड रखा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनी उसमें भाग ले सके, देन वाई द एसक्यूआर वर मेड मोर रिस्ट्रिक्टिव विच वर नैरो डाउन द चॉइसिस टू लिमिटेड रेंज ऑफ हेलीकॉप्टर्स, ये कारण है किस तरह से फेवरेटिज्म की तरफ आगे बढ़े, किस तरह से
इटली की कंपनी को, पता नहीं इटली के साथ कैसा ऐसा प्यार है कि वहां की कंपनी को, प्लीज वहां की कंपनी को लाभ देने के लिए एक एक बहुत बड़ा लाभ दिया गया। और क्यों क्यों डिलीट किया जाए मैडम, ऐसा क्या इटली में जो डिलीट किया जाए? टेक्निकल वैल्यूएशन का टाइम फ्रेम 4 महीने का था, लेकिन उसमें भी 10 महीने लगा दिए मैडम। और जिस तरह से इन्होंने लगातार आगे बढ़े हैं, और जिस तरह से मैडम रक्षा मंत्री जी ने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड इटली की जो कंपनी थी उसने आरएफपी डॉक्यूमेंट खरीदा, तो ऐसी क्या मजबूरी यूपीए की सरकार की थी कि उन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड यूके की कंपनी को वो ठेका दे दिया? और क्या बार बार जो इटली के कोर्ट्स में ब्रिटिश हाई कमिश्नर की बात आती है, एम्बेसडर की बात आती है कि उनको बातचीत करने के लिए कहा गया, तो क्या इससे स्पष्ट तौर पर संकेत नहीं मिलते कि क्या क्या कौन कौन लोग उसमें जुड़े हुए थे, किस तरह से दबाव बनाने का प्रयास किया गया, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर सिंह से बात करने के लिए दबाव उस समय के इटली के प्राइम मिनिस्टर मोंटी को कहा जाता है, आखिरकार कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे? ये सारी बातें मुझे लगता है मैडम देश के सामने और विस्तार में रखनी चाहिए। और अगर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वो कंपनी नहीं थी तो आप लोगों ने उनको ठेका क्यों दिया? आपकी क्या मजबूरी थी कि AWIL यूके को आपको ठेका देना पड़ा? सबको दरकिनार करके मैडम उस कंपनी को ठेका दिया गया जिसने ना आरएफपी या आरएफपी डॉक्यूमेंट खरीदा, और जो दूसरे देश में जाकर कंपनी है, और ऊपर से जिसने जाकर बैंक गारंटी भी हिंदुस्तान में देने की बजाय मिलान में जाकर दी, तो ऐसी क्या मजबूरी कांग्रेस पार्टी की उस समय रही, उस समय की सरकार की रही कि सारी पैरा 75 के अंतर्गत जितनी छूट देनी थी वो सारी देकर उस कंपनी को ठेका दिया गया? तो क्या इसमें स्पष्ट तौर पर भ्रष्टाचार की बू नहीं आती? और यही नहीं मैडम, इसी कंपनी के ऊपर बहुत सारे टीवी चैनल्स ने भी दिखाया कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अगस्ता वेस्टलैंड ने हिंदुस्तान के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स विदेश तक कैसे पहुंचाए, कौन लोग इस पिछली सरकार में थे जो देश के साथ सुरक्षा दस्तावेज को देकर देश के साथ गद्दारी कर रहे थे? घूसखोरी एक तरफ है लेकिन देश के साथ गद्दारी दूसरी ओर है, आप वहां पर भी पीछे नहीं पीछे। यही नहीं मैडम, जो फील्ड वैल्यूएशन टेस्ट है अगर वो देश के अंदर होना था और उसमें भी कहा गया कि एनसीएनसी जो नो कॉस्ट नो कमिटमेंट बेसिस पर सारा खर्चा उन कंपनीज को करना था, तो इनकी सरकार को तकलीफ क्या थी? तो जो 6 से 12 महीने के समय के लिए होना था उसको केवल 2 महीने तक फील्ड वैल्यूएशन टेस्ट क्यों करवाया गया? 6 से 12 महीने के वैल्यूएशन टेस्ट को 2 महीने तक क्यों किया गया और विदेश में क्यों करवाया गया? आखिरकार यहां की परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होना था, वो विदेश की परिस्थितियों में ठंडे मौसम में कैसे पता चलता अगर यहां पर गर्म मौसम में उड़ना था, किस ऊंचाई पर उड़ना था? क्या 2 महीने में जो अधिकारी यहां पर गए वो सही मायने में जाकर उसका टेस्ट भी कर पाए कि घूमने फिरने के टूर के लिए गए थे? क्योंकि जब ये हेलीकॉप्टर यहां पर, 3 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल के लिए आए, तो यहां पर रिपोर्ट में कहा गया कि ये उपयुक्त नहीं है उस ऊंचाई पर उड़ने के लिए, तो ये भी एक स्पष्ट तौर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि किस तरह से सरकार ने पैरा 75 का भी दुरुपयोग किया, क्यों बार बार किया गया? मैडम इसका भी जवाब मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। और क्या सिंगल वेंडर के लिए जब मंत्री जी ने कहा कि S-92 सरकोसी के जो हेलीकॉप्टर है उस वो भी 4 पैरामीटर्स में फेल किया, और ये जो AW101 है ये 2 पैरामीटर्स में फेल हुआ, तो केवल एक कंपनी को आपने रियायत पैरा 75 के अंतर्गत क्यों दी? आखिरकार ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि आप पहले दिन से चाहते थे कि हम एक ही कंपनी को सारी सुविधाएं दे और किसी ना किसी तरह से वो क्वालिफाई करे और उनका हम सामान खरीद सके। और जो मैडम नेगोशिएशन के लिए जो मंत्री जी ने कहा कि जनवरी 2006 में 793 करोड़ रुपया कोट किया गया और सितंबर 2008 तक आते आते उसको 4870 करोड़ रुपया उसकी कीमत तक दिखा दी गई, जो कि 6 गुना ज्यादा है, उस पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी बिठाई। क्या यह कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी थी या कमीशन नेगोशिएटिंग कमेटी थी? क्या नेगोशिएट कर रहे थे आप, कमीशन? कमीशन यह आपको इसका उत्तर देना होगा। क्या उस समय तक करते रहे,
क्यों इतना ज्यादा रखा गया कि उसको चलते बाद में अगर 3,966 करोड़ रुपए में अगस्ता वेस्टलैंड ने अपना कोर्ट किया तो आप लोग इसको ज्यादा क्यों रखा? जहां तक मैडम जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, आखिरकार उन लोगों को क्या कांग्रेस पार्टी ने उस समय किया? चाहे उस समय के एसपीजी चीफ थे, एनएसए थे या उस समय के डिफेंस सेक्रेटरी थे, आज वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर बैठे हैं कि उनको इम्यूनिटी तक इन लोगों ने प्रदान कर दी कि ताकि उनसे कोई पूछताछ ना हो पाए। जब ये जांच चल रही थी तब आपके ही उस समय के लॉ मिनिस्टर ने कहा कि उनको इम्यूनिटी है, उनसे जांच ना की जाए। जब यह स्पष्ट दुनिया भर में हो गया कि घूस दी गई और घूस ली भी गई तो घूस देने वाले तो जेल में हैं, लेने वाले खुले तौर पर क्यों घूम रहे मैडम? ये आप लोगों को भी देना होगा, क्योंकि दो साल आपके, अगर 2011 में बाहर आ गया, आपने वो डील कैंसिल क्यों नहीं की? आपने वो डील कैंसिल क्यों नहीं की? ये प्रश्न इस पर खड़ा होता है अध्यक्ष जी, ये प्रश्न इस पर खड़ा होता है कि इन्होंने लंबा समय 2 साल का क्यों दिया? उन 2 सालों में क्या ये तय कर रहे थे कि डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से 3-3 बार इन्होंने संपर्क करने का प्रयास किया? वो केवल प्रयास इसलिए किया गया कि समय लिया जाए और उन 2 सालों के अंतर्गत कहीं इटली के कोर्ट से राहत मिल पाए और इनके नेताओं और बाकी अधिकारियों पर बातचीत ना आ पाए और घूस की बात बाहर ना आए। क्या उसके लिए पूरा प्रयास कांग्रेस पार्टी ने उस समय किया? क्या इम्यूनिटी इसीलिए इन सब लोगों को दी गई कि आज कोई गवर्नर है या आज कोई सीएजी के पद पर है तो उससे पूछताछ ना की जाए? मैडम ये मैं रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, इस जांच को कितनी तेजी के साथ ये आगे बढ़ाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी भी ये मानती है? इनके पूर्व के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, इनके डिफेंस मिनिस्टर ने, पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हाँ इसमें पैसा लिया गया, इसमें भ्रष्टाचार हुआ। अगर भ्रष्टाचार हुआ तो हम तो कहते हैं कि इसकी जांच पूरी होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस जांच का विरोध क्यों करती है? आखिरकार जब इसकी बात की जाती है उसके खिलाफ क्यों खड़े होते हैं? और यही नहीं मैडम, यही नहीं, क्योंकि स्पष्ट तौर पर जिस तरह से मंत्री ने कहा कि नवंबर 2011 में इसके लक्षण बाहर आ गए कि इटली में तो पता चल गया कि इस केस में भ्रष्टाचार हुआ है, आपको 2 साल तक किसने रोक कर रखा? इस बात का भी जवाब देना होगा। क्यों उसमें जानकारियां केवल 2006 तक की जानकारियां दी गई मैडम, जबकि पैसा 2012 तक जाता रहा। इटली के कोर्ट ने भी कहा कि 2012 तक अगर पैसा दिया गया तो पूर्व की सरकार ने 1-1 साल विलंब करके केवल वो लिमिटेड डॉक्यूमेंट क्यों दिए जो पब्लिक डोमेन में पहले ही अवेलेबल थे, और बाकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे वो क्यों नहीं दिए? इस जांच को क्यों रोका गया? सीबीआई और ईडी 9-9 महीने सीबीआई रोक के रखती है, ईडी को जांच आगे बढ़ाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं देती, आगे ईडी भी 8 महीने तक काम नहीं करती, तो क्यों रोका गया? जहां पर AIR 2 में कागज रखे गए वहां पर आग क्यों लगती है मैडम? बाकी कहीं आग नहीं लगती, लेकिन जहां पर ये दस्तावेज रखे गए वहां पर आग लग जाती है, तो पूरे सबूत मिटाने का प्रयास किया जाता है। 2 साल तक कोई काम नहीं करते, लेकिन 12 मई को एक दिन के अंदर, कृपया मंत्री जी बताएं, क्या एक ही दिन के अंदर 5 दफ्तरों के अंदर ये फाइल कैसे पहुंच जाती जबकि 2 साल में कोई कदम नहीं उठाया जाता? ऐसी क्या मजबूरी बन गई? क्योंकि रिजल्ट आने वाले थे, देश में पता चल गया था कि अब तो मोदी जी की सरकार आने वाली है कहीं ना कहीं। आज तो आपने औपचारिक तौर पर जेल में अपनी गिरफ्तारी दी है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी भ्रष्ट लोगों को जेल में जाना ही पड़ेगा मैडम, इस बात का यही नहीं मैडम, मुझे सिर्फ 2 बात करके मैं अपनी बात खत्म करने वाला हूं। अभी हाल ही में कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता, जहां पर एक मिडलमैन क्रिश्चियन मिशेल दुबई में रहते, उनसे मिलने गए। क्या केंद्र सरकार की जानकारी में ये है? क्या वो वहां पर जाकर मिले? क्या उनकी उनसे क्या बातचीत हुई? क्या ये जानकारी है? तो क्या ये लंबा समय के अंतर्गत इसी तरह की बातचीत तो नहीं होती रही कि उनको? और ये जजमेंट में मैडम जो बार बार एक नाम आता है, चार बार उनका नाम आया, क्या उनका इस नहीं, प्लीज मुझे लगता है
आपको अपने लोगों से नाम पूछ लेना चाहिए मैडम। उसमें जो दस्तावेज जो आज पूरे टीवी चैनल्स पर देखने को मिलता है कि किन किन लोगों को पैसा दिया गया, कौन कौन अधिकारी थे, कौन पॉलिटिकल लोग थे, कौन फैमिली थी, तो किसकी फैमिली का नाम बार बार आता है, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। कौन फैमिली थी ये जानकारी देश को चाहिए। यस प्लीज प्लीज अनुराग जी, और इस पर भी मैडम आगला कहा गया कि 30-30 मिलियन के पैसा किस पे, 30-30 मिलियन का पैसा किसको दिया गया, 30 मिलियन का पैसा किसको दिया गया, कृपया करके आप इस पर भी जानकारी दीजिए। और ये जो बार बार एक नाम चार बार उस पे कोर्ट में आया है, एपी भी आया, एक और बड़ा नाम भी आया, वो बड़ा है छोटा है प्लीज, यस मुझे नाम लेने में डरने की प्लीज। मैं आशा करता हूं कि जितनी इच्छा मुझे लगता था खड़गे जी ये क्या हो रहा है, ये तरीका नो बट दिस इज नॉट प्रॉपर, आई एम सॉरी। यस अनुराग जी नाउ कंप्लीट मैडम यस मैं खड़गे जी कुछ कहना चाहते हैं। यस अब आप जब पर्सनली अटैक करते हैं पार्टी को, अटैक आप फैक्ट्स के ऊपर जाइए, केस के ऊपर जाइए, और केस में क्या है वो बोलिए, उसके बजाय इंडिविजुअल अटैक कर रहे हैं। आप क्यों इंडिविजुअल, उन्होंने कहा है नोबडी हैज टेकन एनी, प्लीज सिट डाउन। नाम और नाम लिए पार्टी का नाम लेते जा रहे हैं, क्या उनके पास ये वहाँ पर पार्टी। यस अनुराग यू आर कंप्लीटेड, मैडम वो कुछ बोल रहे थे। यस नाउ इट्स ओके बैठिए, आई एम सॉरी मैडम। अध्यक्ष जी दे हैव नॉट टेकन नोबडी हैज टेकन, अध्यक्ष जी जिस व्यक्ति का नाम चार बार उस रिपोर्ट में आया है नहीं बोल, अगर उससे इतनी पीड़ा कांग्रेस पार्टी को और विशेषतौर पर हमारे वरिष्ठ नेता खड़गे जी को है, तो मैं नहीं चाहता, मैं खड़गे जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, ये समझ गए किसकी बात हो रही है। नाउ कंप्लीट, मैं बड़ा सम्मान इनका भी करता हूँ, और बगैर किसी का नाम लिए अगर इतनी पीड़ा है तो अगर नाम आ जाए तो ना जाने कितनी पीड़ा हो जाएगी। इसलिए मैं हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं अगर हमारे रक्षा मंत्री जी ने किसी के ऊपर तथ्यों के अलावा कोई आरोप नहीं लगाया तो इसकी बधाई मैं रक्षा मंत्री जी को देता हूं, और ना ही हमने कोई आरोप प्रत्यारोप करने की बात कही। लेकिन अगर देश की गुड़ कमाई का पैसा भ्रष्टाचार में, घूस में इटली की कंपनी को आपको तय किया जाता है, उसमें कर दिया जाता है, और उस पर आप रोकते हैं कि उसको उठाया भी ना जाए, तो उसमें स्पष्ट नजर आता है कि उसमें कौन लोग संलिप्त थे, इसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम। और ये हर कोई जानता है कि उस समय के अगर डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को अगर ये ईमानदार कहते हैं तो उन ईमानदार व्यक्तियों से गलत काम किसने कराया, उस समय सरकार कौन चलाता था, ये देश में किसी से छिपा नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चार बार जिनका नाम लिया गया मैडम, yes, इनका no. आगे मैं मंत्री जी से एक और no, पूछना please, चाहता हूँ प्लीज प्लीज, क्या आप मैडम क्योंकि टाइम नाउ yes, मैंने मैडम दो बातें कही थी, मेरी पहली नहीं खत्म होने थी, खड़गे जी बार बार खड़े हो गए, कुछ नहीं हुआ, प्लीज कंक्लूड नाउ। मुझे लगा था आज धरना दे के आए थोड़ा शांति होगी, लेकिन आज फिर मैडम क्योंकि जिनका नाम चार बार आया है कोर्ट में, जिन जिन लोगों के नाम आए, क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई सरकार करेगी जिन्होंने घूस खाई, या इस डील को करवाने के लिए जितना उन्होंने मदद अगस्ता वेस्टलैंड की उसके ऊपर उचित कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। और मैडम एक जो पिलेटस एयरक्राफ्ट जिसके 75 एयरक्राफ्ट 2012 में खरीदे गए, 4000 करोड़ रुपए की खरीद 2012 में किए भी की गई, इस खरीद में कौन लोग शामिल थे,
क्या उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ और किस परिवार का नाम उस भ्रष्टाचार के मामले में आता है। प्लाटस एयरक्राफ्ट 75 एयरक्राफ्ट मैडम खरीदे गए, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, क्या इसकी जानकारी भी मंत्री जी देंगे। और मैं अंत में केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो जानकारी मंत्री जी ने देश के सामने रखी है उसमें काफी जानकारी देश के सामने आई है कि किस तरह से अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड यूके को, जिसके पास आरएफपी डॉक्यूमेंट भी नहीं था, उसको आउट ऑफ द वे जाके फेवरेटिज्म करके उनको संरक्षण देके जिस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ये स्पष्ट तौर पर दिखाते हैं उसमें घूस खाई गई। और जिन लोगों का नाम इटली की कोर्ट में आया है, हमें केवल वहीं तक सीमित ना रहकर इसकी जड़ तक जाकर हर दोषी को जेल के पीछे छोड़ना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निशिकांत दुबे।